मामू की बर्थडे पे आउटफिट ऑफ द डे इनका डालिया। तुम बनाओगे रेडी रखा हुआ था गूगल मैप पहले से इसलिए कहा ना देख के उठाओ। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। पहले ही मैंने आप लोग बता दिया है क्योंकि आप लोग को पता चल गया होगा डाइनर से। मैं नहीं कहा था कि मैं केक बनाऊं। अच्छा बनाओ, मैं खड़ी देखूं कैसे बनाना केक। यही होगा। अच्छा ना मैं बना रही हूँ। अभी सामने से इसमें अंडे डाले हैं और अभी सारा सामान रखा हुआ है, तो एक ही करके हम डालेंगे और आप लोग बताएंगे। हमें मेरा बनाना था ना, दिखाओ ना। मैं सब हाँ अपनी रेसिपी दे रही है मुझे बनाना। चीटिंग करता है तू। चीटिंग कर रही है ये। अभी टाइम नहीं, मामू आने वाले हैं, उनको सरप्राइज देना है केक, इसलिए बनाने तो देर हो रही है। मेरे मामू की बर्थडे तो हमने सोचा उन्हें सरप्राइज दें जरा, क्योंकि आज नानी वापस आएंगी तो लेने आ रहे हैं। हमने इसमें डाले हैं दो अंडे, चीनी, और इसमें डाले हैं एक ढक्कन भर के वनीला एसेंस। भाई तुम मुझे बताओ ना, मैं डालती हूँ ना। हेलो बस मैं डालूंगी। हाँ मैं डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे मैं इसमें मैदा डालना है ना। डाल दिया इस्तेमाल कर लिया तुम्हारी। मैंने मैदा डायरेक्ट डाल दिया। यू रखा हुआ था, मैंने कहा कि डायरेक्ट डलेगा, मैंने डाल दिया। क्या फर्क पड़ता है, डल गया ना बस, मिक्सी तो मरना है सब कुछ। ये फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अच्छा हमको सिखा रही है। मैंने को कभी भी कोको पाउडर को मिक्स करके छान के डालते हैं, इसलिए कहते हैं मतलब इंतजार करते हैं। हटो। तो आई नहीं रही है किचन में, मुझे खड़ा करके जी पता है मासूम सी बच्ची आई है। अच्छा मैं डालूंगी ना ये भी। हटो ये मैं डालूंगी ना। तो डाल रहे हैं, कतियां बनने की तैयारी हो रही है। बस कर दो। हाँ बनाया है मैंने भी केक ना। लो लो ये मैं पकड़ रही हूँ। लो ना मैं कर रही हूँ ना। ये क्या डाले मुझे बताओ, अगली बार बना सकूँ। बेकिंग पाउडर डाला है अपने कोको पाउडर के बाद। क्या है ये डलेगा सिर्फ इतना हमारे पास ना मेजरमेंट वाले चमचे थे ऐसे ही बहुत सारे। बनाना मेजरमेंट जब जरूरी हो तो आपको कुछ आता ना हो। मैं बनाना है ठीक है। अबे छोड़ यार बन गया, हिला इसको जल्दी जल्दी चमचे से। बस हम इसे करेंगे क्योंकि मैं जल्दी बना था थोड़ा अर्जेंट में। तो अब हम इसकी बना रहे हैं चॉकलेट, जो ऊपर से डालेंगे हम केक के। यहाँ पे ये हमारे पास वाला चम्मच ले लो यार, बैटर रेडी हो गया है। बड़ी मेहनत के बाद भाई बहुत कुछ गिरा, गंदगी हुई, लेकिन मैंने समेट भी दिया। कितनी प्यारी बेटी है। यहाँ मेरी नानी कतलियाँ बना रही हैं क्योंकि वो बहुत ही मज़े के खाने बनाती हैं। तो आलू की कतलियाँ बन रही हैं यहाँ पर और रोटियाँ बनेंगी उसके साथ। और यहाँ पर चॉकलेट रेडी हो रही है, यहाँ पर ये रेडी है। डार्क चॉकलेट है ये, जिसमें मैंने मक्खन डाला है, दूध डाला है। हम बना रहे हैं विदाउट ओवन केक विदाउट ओवन। एक ही बातें कहानियां से थोड़े यहाँ से एक ही बातें। तो हम विदाउट ओवन के बना रहे हैं केक, ठीक है ना। इसमें बनाएंगे मतलब इसके अंदर हम इसे करेंगे बेक। इसके अंदर हम बनाएंगे, हमारे पास ये था पर ये हो गया है खराब। That's why we have to make the cake in this. बस करते हैं, इसमें तेल लगाएंगे हम। अब हम गरीब हो गए, हमारा तेल खत्म हो गया। गरीब दूसरा निकालो डिब्बा, बैकअप रखते हैं। सबसे पीछे करके रखना है बोतल, हाथ में यही आ जाती है। महंगा वाला तेल ले लिया मम्मी का। बस बहुत है इसको कर लो। इसमें तेल जो लगाएंगे प्रॉपरली हम लोगों को लगाना है। It's been a minute since you kissed my face. वो पहला केक कैसा बना था? बन ताले के तुम लोगों को रखना नहीं आ रहा था।
तब से स्कूल तो मैंने किया तुम लोग का मिशन किचन में, मैं ना घुसू तो बन जाता केक क्रेडिट अब भी और ये लोग डर डर के बनाया मैंने ना पूरा टेस्ट करो केक पहली बार बनाया था मैं पता ही ना कैसे बनाना है और क्या भतीजी उसको भतीजी केक बनाने लगी अच्छा मेरे साथ अम्मी वरना मैं पता नहीं क्या कर देती यहां पे ऐसा अकेले पहली बार बनाऊंगी हाँ तो सीख रही हूँ ना फिर एक अकेले में भी बनाऊंगी ये देखें गाइस ये कितने मजे की चॉकलेट दम मेल्टेड रेडी हो गई है मैंने बनाई है ऑफ कैमरा कोई नहीं और इतने मजे की बन चुकी है अब हम केक बनाएंगे और फिर से ऊपर ये मैजिक ये बगैर कुछ काम करने इन्हें कोई काम वाम करना होता नहीं है बस फालतू फालतू घूमती रहती है कोई काम नहीं होता लगता है खुद सरप्राइज दे रहे हैं वो समझ रहे कि आपके पास अगर बटर बटर पेपर होते ना मम्मी आपके पास बटर पेपर अंदर लेकिन अगर बाहर पे भी बना सकते हैं हाँ बटर पेपर मसला ना बनाओ कि ये नहीं है तो ये नहीं बनेगा बिल्कुल बटर पेपर है तो उससे बना लें अखबार है और बटर पेपर नहीं है तो अखबार है तो आप अखबार से बना लें जो न्यूज पेपर आते हैं जो फालतू होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं और ये कितने मजे की हो गई है रेडी चॉकलेट वाली अम्मी ने रेडी करी है मैं टेस्ट करके बताती हूं कोई नहीं हम कर लेंगे खुद ही टेस्ट वेलिना एसेंस वेलिना वैनिला व्हाटएवर मदर दिस इज माय सिस्टर व्हाटएवर मालूम है तेरे बाप को मत ये ऐसे आपने पेपर लगा देना है इशू नहीं है कोई कि अगर आपने वो नहीं है बटर पेपर तो केक नहीं बनेगा आज इशू नहीं है इशू नहीं है बोले इशू नहीं है अरे इशू नहीं बनाएगा इशू ले लो टिश्यू क्या ये चीज नहीं है और हम ये नहीं बना सकते हाँ तो बहाने तो बिल्कुल भी नहीं चलते ठीक है ना ऐसे देसी घर में तो ठीक है ना जुगाड़े बहुत है मां कितनी बुलाती हो लेकिन उसने एक दिन देसी हो जाना ऐसे हमने इसमें न्यूज़पेपर या उसके पास ऐसे खड़ूस बच्चे आते हैं ना खड़ूस होते इतनी हंसती मुस्कुराती बच्ची हमें कितनी प्यारी सर एक बाकी तो खड़ूस है हमारे बाकी सारी खड़ूस नहीं है मनाहिल तो वो बम पड़ा है मनाहिल के बाल देखेंगे सो के उठी है अभी स्कूल जाने के बाद सो गई थी और कितनी प्यारी लग रही है ये मैम आपका नाम क्या है कितनी ड्रोनी लग रही है इस टाइम मुझे क्रीपी वाइब्स आ रही है तुम्हारे पास से लो भूख इंतजार नहीं हो रहा खाना नानी बनानी है मेरे से क्या तेरा इंतजार नहीं हो रहा और हो रहा आज मैं दोनों के लिए हमने नमकीन और मीठा भी खाऊंगी खाने के बाद क्रेविंग्स होती ना सुन्नत भी है मीठा खाना बिस्मिल्लाह मैंने पहले भी बनाया था उसको यही कटा हमने पिछले साल भी ना अपने मामू की बर्थडे का केक ना हमने यही बनाया था और यही क्योंकि वो खुद तो सेलिब्रेट करते नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने मना के करवाया लेकिन हम एक ब्रांडेड केक लेने जाते हैं तो अगर आपको केक आता बनाए तो ब्रांडेड केक आप घर में बनाए बहुत जबरदस्त बहुत मजे के केक बनाती है मेरे पास ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है मैंने इतना प्रोफेशनल उसमें नहीं बनाती लेकिन जायका प्रोफेशनल वाला है मेरे पास क्या बात बोलती लाइन ऑफ द डे हाँ अभी वो बन जाएगा तो फिर स्प्रिंकल्स वगैरह डेकोरेशन और आइटम भी सब ले लेके रखा हुआ हम लोगों ने अभी कब अगली बार कपकेक अब मैं कपकेक्स बनाऊंगी ये वाला तो खैर अम्मी ने जल्दी जल्दी बना लिया क्योंकि उनके भैया की बर्थडे ना अब मैं बना के आप सबके लिए कपकेक्स छोटे छोटे इतने क्यूट क्यूट से वो हर कलर के वो छोटे छोटे कपकेक्स वो मैं बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी भाई देखो मामू की बर्थडे ना केक तो हम लोग बनाएंगे तो उनके घर भी हमें ही जाना पड़ेगा इसलिए हमने उनको यही बुला लिया ये क्या होगा इससे इससे इसके अंदर चॉकलेट का फ्लेवर है बीच में से जब मैं इसको सेट कर रही हूँ तो जब हम इसे कट करेंगे ना तो फिर इतना मौसम का यह बन के निकलेगा आप बस देखते हैं वैसे बाकी मेरे से ज़्यादा दिमाग है मेरे पास इतना प्यारा बन गया ये यम में लिखा है आई लव माई बेटी आई लव माई ब्रदर ब्रदर का केक है बेटी के लिए भी बनाते हैं बेटी के बर्थडे पे अब्बा जी ला देते हैं पॉइंट देख सकते हैं लेकिन मैं क्यों पहले करूं अब्बू नहीं है ना तो जुल्म हो रहा है मेरे पे आपके घर में कोई भी बड़ी सी डेगची हो कढ़ाई हो इसके अंदर आप ऐसे रख के इसे ढक दें ये ऐसे बेचारे को हमने कैद कर दिए पहले हम चूल्हा थोड़ी देर तेज रखेंगे मीटर वाटर चेक कर लिया था
अंदाजे से बनाया है मैंने। नहीं मैंने चेक करा था, इसका ना चेक करो ना, मीठा ही होगा वैसे तो। अब बस सब कुछ बन जाएगा, आपको दिखा देते हैं हम थोड़ा अपना ड्रामा एंजॉय करेंगे, ठीक है ना, सब बैठ के। तो फिर आपको समझे जब केक रेडी हो जाएगा, थोड़ा ड्रामा देख के इमोशनल हो जाएगा। ड्रामा इमोशनल ड्रामा देख तो फिर केक बनने के बाद देखिए ना, बर्तन भी धोना है अभी मुझे, ठीक है ना, तो फिर वो करके देखना। सो गाइस फाइनली यहाँ हमारा केक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा, थोड़ा सा गर्म है, बहुत गर्म है, अभी गर्म है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे जब से। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ खाना खाने बैठ चुके हैं और यहाँ बैकग्राउंड पे डिनर म्यूजिक लगाया है हमारे बर्थडे बॉय ने, और ये मेरी नानी ने मजेदार सी तकतियाँ बनाई थी, ये वो खा रहे हैं सब जो फरमाइशी तौर पर बनवाई गई थी सब ने बोल के। और यहाँ मैंने एक दाल बनाई थी वो है, इसके साथ मम्मी खाएंगे डिनर करेंगे अपना, ऐसे पीसफुल मिल जाए, ऐसा लगे रेस्टोरेंट वाली वाइब्स आ रही है। मेरे साथ प्रैंक हो गया क्योंकि प्लेट में सारा नमक गिर गया। किसने खोल के रखा था ये ढक्कन? मैं भी नहीं हूँ, इसलिए कहता देख के उठाओ, उठा के डाला और सब गिर गया। डांटा नहीं क्योंकि म्यूजिक इतना पीसफुल लगा हुआ है कि अम्मी ने बोला कोई बात नहीं बच्चे को और दे दो। वैसे नमक ना बिल्कुल परफेक्ट है खाने के अंदर, ये लोग बिना वजह नमक डालते हैं इसलिए हुआ है, क्योंकि इसने गलती से जान के गिरा था, तो फिर तो ये होता और अम्मी होते तो चाहिए नेचुरल नेचुरल, ठीक है ना, बना के नहीं करते। ओहो गाइस ये देखिए मेल्टेड चॉकलेट, इसे भी हमने फ्रीजर कर दिया था, फिर ठंडी रेडी हो गई होगी। एक चुटकी सिंदूर की इसके अंदर हम डालेंगे, जल्दी से आप क्लीन कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लीन करके अपने कमरे में बिल्कुल नजर आना, यहाँ बाहर नजर नहीं आना। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। अभी हो गया साहब, वाह इनक्रेडिबल, अभी बस अंदर जर्मन लैंग्वेज में जो जर्मन वाला वर्ड बोला इसने, कोई उर्दू वाला नहीं करते हैं। मामू की बर्थडे पे आउटफिट ऑफ द डे इनका, ये तो हर कोई करता है, बचपन में अम्मी के दुपट्टों की साड़ी बना के पहनते थे और अब इन्होंने अपने ही दुपट्टे की, मेरे दुपट्टे की साड़ी बना के पहनी है, असली साड़ी भी पहनेंगे, असली साड़ी पहनेंगे इंशाल्लाह, सबसे बड़ी प्यारी लगती है, सब पहले पहनूंगी मैं तो। तो यहाँ आप देख सकते हैं केक का लुक, गजब बेइज्जती है। Happy birthday to you.
के आगे बर्थडे में पंगा चला चला दिया सबको खिलाए इस बंदे ने अपनी बर्थडे पे केक बहुत अच्छा खा सर आपने हैप्पी बर्थडे आपको आज का बर्थडे रोज रोज आए हमने ये जो पेस्ट्री केक बनाया था ये पूरा हो गया है गाइस जब तक मुझे मेरा हिस्सा ईमानदारी से नहीं मिला तब तक मैं चॉकलेट खा रही हूँ साइड की फ्रेंड कैसा लगा केक सिखाने से मतलब है कैसा लगा केक बहुत जबरदस्त हाँ नहीं कैसा लगे नीचे से सिर्फ सो के उठ के आया है बच्चों को तो पारा लग रहा है क्यूटू कैसा लगा केक मुनाहिद है ना मतलब वो जो केक होता ना वो काफी सॉफ्ट बना था तो बड़ा मजे ईमान कैसा लगा केक मुझे क्या लगा इसको जैसे केक के लिए कब से आके यहाँ डांस कर रही थी कैसा लगा केक मजेदार था भी बड़े ये चक्कर में था किसे एक्स्ट्रा मिल जाए पर नहीं मिला क्योंकि सबको पूरा हुआ ईमानदारी से सुन रहा है ये बहुत पढ़ाकू बच्ची हर टाइम किताबें लेके से काम छापती रहती है यहाँ से वहाँ कैसा लगा केक बहुत मजे का था केक कैसा लगा केक बहुत डिलीश साड़ी के बाल से कभी मैच किया पूछ लिया हमने बड़े बड़े कैसा लगा भाई आपको सब कुछ आपकी पिक्चर क्यों नहीं आ रही खाना एंड थैंक यू फॉर दिस लिटिल एंड बिगेस्ट सेलिब्रेशन एंड माय हेड इज स्पिनिंग राइट नाउ स्पिनिंग पता नहीं क्यों मेरे सर के अंदर थोड़ा सा दर्द हो रहा था बाकी आई एम हैप्पी एंड चिल दैट्स ग्रेट केक कैसा लगा ब्रेन के अंदर थोड़ा सा मेरे ब्रेन के अंदर इनके पटाखे फूट रहे हैं छोटे छोटे थोड़ा सा सर दर्द बोलते हैं ना केक कैसा लगा केक बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने एंड डबल जान डाल दी आप लोगों ने तो शोर मचा के उसके अंदर आप लोगों के शोर की वजह से मेरा और मुझे तो लगा ही केक बहुत मजे का और ये देख सकते हैं आप मेरा आज का आउटफिट में बहुत रंग बिरंगी बनी हुई थी अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ ना कोई भी प्लान नहीं था शाम तक हम सिर्फ समोसा ला के अम्मी और अम्मा सब टी टाइम करा था अपना सिंपल सा कुछ भी नहीं था लेकिन फिर हमें पता था याद आया यार बर्थडे तो फिर बाइक शुरू हो गया हम तैयारी में फिर अबू को बड़ा मिस करा उन्होंने पूरे सेलिब्रेशन के अंदर अबू वी मिस यू तो मेरा आज का आउटफिट है ना वो पता हूँ किसी से मैच कर रहा है मेरे घर में एक जगह है उस जगह पे जाके एकदम मैं मैच कर रही हूँ द रंगोली में द रेनबो कलर्स एंड द रेनबो कलर्स आई वोर क्या कर रही है एरिया अब पता नहीं है बड़े बड़े सेलिब्रेट कराया नहीं है कराया नहीं है नानी वगैरह काफ़ी दिनों से आई हुई थी नानी ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए तो वो जा रही हैं अपने घर पर So guys, that's it for the vlog. Kana kafi tha na vlog ke liye. If you like the video, don't forget to give it a thumbs up, share this video, comment on the video, subscribe our channel, follow the Instagram accounts. We'll see you in the next vlog. Tab tak ke liye, Allah Hafiz. Feels like forever and I'm losing track of time.